शाबाश, अब आप सो जाइए। सलमा अपा, ये जमाल खान चाचा, आजम खान चाचा की तरह अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं बोलते? बेटा, इस दुनिया में हर शख्स के अल्फाजों की अदायगी दूसरे शख्स से मुख्तलिफ ही हुआ करती है। जैसे किसी शख्स के बोलने का अंदाज बाहरों की मानिंद लगता है, तो किसी के बोलने का अंदाज सांप की फुफकार जैसा लगता है। हम समझे नहीं सलमा अपा। आप अभी समझेंगे भी नहीं। इन सब बातों को समझने के लिए आप अभी बहुत छोटे हैं। आंखें मूंद लीजिए और सो जाइए। इस करिश्माती मौसीकी और आवाज की कोई मिसाल नहीं है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। अबे ओए, अबे जल्दी से हाथ चलाओ, जल्दी से। वाह वाह, अल्लाह ताला ने मियाँ जी को कितनी खूबसूरत आवाज बख्शी है। हाँ, यूं लगता है मानो हर सुबह चमन का एक एक फूल उनकी आवाज पर खिल उठता है। अबे ओए, चमन के इन फूलों को खिलने के लिए कुदरत से हवा मिलती है, धूप मिलती है, बादशाह सलामत से बीज मिलता है, खाद मिलती है, हमारी तरफ से तुम लोगों को बागवानी की हिदायत मिलती है, तब जाकर चमन पे बहार आती है और तुम लोगों की सारे का सारा सिला मियाँ जी की आवाज को दिए चले जा रहे हो। मियाँ जमाल खान, हमने तो आवाज की तारीफ भर के लिए बस यूं ही एक जुमला बोल दिया था। अबे तो ये जुमला कहीं भूल से भी बादशाह सलामत के सामने मत दोहरा देना कि मियाँ जी के गाने से चमन में फूल खिलते हैं, वरना तुम्हारे साथ साथ हमें भी ये बाग बगीचा छोड़ के घर में बैठना पड़ेगा। भाई कैसी बातें करते हो मियाँ जमाल खान, भला तानसेन जी के गाने से सचमुच फूल थोड़े ही खिलेंगे। अबे तानसेन जी की आवाज का कोई भरोसा भी नहीं है भैया,
जिनकी आवाज से आसमान बरस सकता है, जिनके गाने से दरबार में पड़े हुए साज खुद ब खुद बिना साजिंदों के बज उठते हैं, उनके गाने से फूल भी खिल सकते हैं भैया। और खुदा ना खास्ता कहीं मियाँ जी ने यह करिश्मा बादशाह सलामत के सामने सर अंजाम कर दिया तो हम बागवा लोग तो ना तीन के रहेंगे ना तेरह के। इसलिए भूल कर भी ये जुमला दोबारा कभी मत दोहराना समझे। अब अपने काम में मसरूफ हो जाओ और मियाँ जी को अपने काम में मसरूफ रहने दो। अब्बू सलाम। अब्बू बेटा सीधे हाथ से सलाम करो। अच्छा अब्बू गलती हो गई, सलाम। जीते रहो। आप इतनी सुबह सुबह उठ गए? हाँ अब्बू। अब्बू आप हर सुबह सुबह की रियाज करते हो। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखो बेटा, भगवान ने इस पृथ्वी की रचना बहुत सोच समझ कर की है ताकि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव समय पर कार्य कर सके और समय पर विश्राम कर सके। माँ सरस्वती की साधना के लिए दो ही समय अति उत्तम है। पहला समय तो है प्रभात, जब सूर्योदय होता है, और दूसरा समय है संध्या, जब सूर्यास्त होता है। छोटे मियाँ अभी तो आप बहुत छोटे हैं, इसलिए आपके रियाज का समय संध्या है। कुछ दिनों बाद आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको भी प्रातःकालीन सुबह सुबह उठकर रियाज करना होगा, समझे? कुछ बात समझ में आई छोटे मियाँ? हमको भी सुबह सुबह उठना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, अब्बू से पूछ के हमने मुसीबत ही गले डाल ली। मुसीबत? अरे छोटे मियाँ, इसमें भला मुसीबत वाली क्या बात है? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह रियाज करना मुसीबत वाली बात नहीं है तो और कौन सी बात है? ऐसा नहीं कहते विलास बेटा, अगर आप रियाज ही नहीं करेंगे तो फिर आप अब्बू की तरह गाना कैसे सीखेंगे? क्या आपको गाना अच्छा नहीं लगता? गाना तो अच्छा लगता है, मगर हमें जो अब्बू गाना सिखाते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। देखो बेटा, जब तक इंसान कोई काम सीख नहीं लेता ना, तब तक ही मुश्किल लगता है। जब वो काम आ जाता है फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। अगर गाना ही है तो हम वैसे लोरी गाएंगे जैसे आप हमें सुनाती हैं। हम अब्बू वाला गाना नहीं गाएंगे। अरे पगले, ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, हम रियाज नहीं करेंगे। अरे वाह, कैसे नहीं करेंगे आप रियाज? देखो विलास बेटे, अगर आप रियाज नहीं करेंगे तो अपने अब्बू से भी बड़े फनकार कैसे बनेंगे? चलिए चलिए, और आज तो आपके अब्बू मालूम है आपको राग दरबारी सिखाने वाले हैं, जो उन्होंने आपके पैदा होने पर ईजाद किया था। सच? हाँ बेटे, ये बात बिल्कुल सच है कि ये राग हमने उस दिन ईजाद किया था जिस दिन आपका जन्म हुआ था, और इसे हमने राग दरबारी का नाम भी दिया था। ठीक उसी दिन बादशाह सलामत ने आपका नाम बिलास खान भी रखा था। क्या आपने ये राग बादशाह सलामत को भी सुनाया था? हाँ बेटा, ये राग हमने उसी दिन दरबार में पेश भी किया था। चलो अब बातें खत्म करो, रियाज शुरू करते हैं। अब्बू, अगर रियाज कल ही करे तो नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आज का काम कल पर छोड़ने वाले लोगों का कल कभी नहीं आता। हाँ तो बेटा, आज हम कौन सा राग आरम्भ करने वाले हैं? दरबारी। शाबाश बेटा, दरबारी एक संपूर्ण राग है। इसमें सातों सुर लगते हैं, गांधार, धैवत और निषाद, कोमल स्वर होते हैं। चलो पहले मैं आलाप लेता हूँ, फिर तुम दोहराना। जी अब्बू। प्रथम शब्द ओंकार, प्रथम शब्द ओंकार, वर्ण प्रथम आकार, प्रथम गुरुदेव को प्रणाम कर लीजिए, प्रथम शब्द ओंकार, प्रथम शब्द ओंकार, गीत प्रथम संगीत, गीत प्रथम संगीत,
साज प्रथम बिलास, बिलास, सलमा, रुक्साना, कोई है? अमा छोटे मियां, शाम से आपके पीछे भाग भाग के आपको ढूंढ ढूंढ के हमारी टांगों की हालत ऐसी पतली हो गई है जैसे पौधे की सूखी हुई टहनियां होती हैं। अमा मियां, आपके अब्बू बहुत गुस्से में हैं। आप ये बीच रियाज में से उठकर कहाँ चले गए थे? जाते नहीं तो क्या करते जमाल खान चाचा, हमारे अब्बू हमें बहुत मुश्किल गाने सिखाते हैं। हाँ, ये बात तो तुम्हारी 100% दुरुस्त है बेटा। अब बड़े मियाँ ये समझते हैं बेटा कि यहाँ आप आलाप ले और वहाँ आप बिलास खान से तानसेन हो जाएं। अमा उनको जरा ये सोचना चाहिए कि आप आखिरकार एक मासूम बच्चे हैं, हाँ? एक छोटे बच्चे पर इतना तशद्दुद। अमल हॉल विला को वत। अब बेटा एक काम करो, इससे पहले कि तुम्हारे अब्बू की तुम पर नजर पड़ जाए, कुछ खा पी कर चुपचाप सो जाओ बेटा। जमाल खान, तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चे को ये सब सिखाते हुए कि वो गलती करके अपने बाप से नजरें चुरा कर सो जाए? मियाँ जी, मैं तो ये कह रहा था कि रात बहुत हो चुकी है और छोटे मियाँ जी भूखे हैं, अगर कुछ खा लेते। नहीं जमाल खान, इसे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, इसे सजा मिलेगी। इसने रियाज के बीच में उठने की गुस्ताखी की है, इसकी इसे सजा मिलेगी। मगर मियाँ जी, तुम चुप रहो जमाल खान। हम देख रहे हैं कि आजम खान, सलमा, बड़ी भी और यहाँ तक कि खुद हमारे प्यार में ये कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है मियाँ जी। अब देखिए ना, आप तो इसके वालिद हैं, लेकिन ये जो सलमा जी हैं, वो जो बड़ी भी हैं, और खास तौर पर आपके वो आजम खान साहब को तो ये सोचना चाहिए कि मासूम बच्चे को ज्यादा लाड प्यार दिया जाए तो वो गुमराह भी हो सकता है। भाई हम तो ये समझते हैं मियाँ जी कि बच्चों पर थोड़ी बहुत सख्ती तो बहुत लाजिम होती है। तुम ठीक कहते हो, अगर इसकी परवरिश शाही महलों की बजाय किसी गुरुकुल में की जाती तो ये इस तरह की गुस्ताखी कभी ना करता। खैर, जब आंख खुले तभी सवेरा समझना चाहिए। इसे जब तक सजा नहीं मिलेगी, इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। मगर मियाँ जी। सलमा, तुम चुप रहो और जाओ यहां से, जाओ। और हाँ जमाल खान जी, तुम भी जाओ। जी। मियाँ बिलास खान, हम तुम्हें कैसे समझाएं? लेकिन अब तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। हम तुम्हारी हर गुस्सा की सहन कर सकते हैं, लेकिन तुम रियाज में जरा भी कोताही बरतो, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तुम फौरन रियाजगाह में जाओ और सरगम का आलाप तब तक लेते रहना जब तक हम तुम्हें मना ना करें। जाइए। और हाँ सुनो, आलाप दोनों कान पकड़ कर लेना और तुम्हारी आवाज हमारी आरामगाह तक आनी चाहिए। जी अब्बू। जाइए। सा रे गा मा पा द नी सा, सा रे
कृपया मुझे कॉल दीजिए। क्या आप बजाते खुद तालीम देकर इसे अपने जैसा ही फनकार बनाएंगे? हम ये वचन देते हैं बेगम कि हमारे जितना ही नहीं बल्कि हमारे से भी बहुत बड़ा फनकार बनेगा। विलास, विलास बेटा, या अल्लाह, छोटे से बच्चे को ऐसी सजा दी जाती है क्या? मियाँ जी, मियाँ जी, अब बस भी कीजिए मियाँ जी, आखिर बच्चा है, कब तक यूं भूखा प्यासा? सलमा, उसके इस अपराध के लिए उसे क्या दंड मिलना चाहिए यह हम अच्छी तरह जानते हैं, वरना वो कभी नहीं सुधरेगा। मगर मियाँ जी, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, खबरदार, जो हमारे पूछे बगैर उसे खाना भी दिया तो। तो मोहतरमा बड़े मियाँ से छोटे मियाँ की पैरवी करके आ रही हैं। क्या कहा बड़े मियाँ ने? जो भी कहा हो उससे तुम्हें मतलब? तुम अपना सरोकार सिर्फ लगाई बुझाई करने तक महदूद रखो जमाल खान। नन्हे से बच्चे पर सख्ती बरतने की सलाह देकर बहुत सुकून मिला होगा ना तुम्हारे कलेजे को? अब हमें किस बात से सुकून मिलता है ये तो अल्लाह ही जानता है। वैसे जानती तो आप भी हैं, ये बात और है कि मानती नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप हमें हमेशा गलत नजरिए से क्यों देखती हैं सलमा जी, जबकि हम भी खुदा के आम बंदों की तरह एक बंदे हैं भाई। अल्लाह की इसी बात पर तो हैरानी होती है जमाल खान, कि वो तुम जैसे बंदों को भी पैदा करता है। या अल्लाह, ये मोहतरमा तो मेरे साथ साथ आप पर भी तोहमत लगा गई। सो गए, रो मत, बस कर बेटा, बस कर, ले कुछ खा ले, कुछ खा ले बेटा, खा ले बेटा, जिद नहीं करते। बेटा, तो क्या तुम रात भर? बेटा, हम तो सो गए थे, लेकिन तुमने गाना बंद क्यों नहीं किया बेटा? आपने तो कहा था जब तक हम मना नहीं करेंगे तब तक हम सा का आलाप नहीं छोड़ेंगे, तो हम कैसे छोड़ते? देखा आपने मियाँ जी, जिसे आप गुमराह बच्चा समझकर सजा देने पर आमादा थे, महज आपका हुक्म बजा लाने के लिए
वो मासूम रात भर से भूखा प्यासा इसी तरह खड़ा है। अब ये तो हद हो गई मियाँ जी, इतनी बेरहमी से सजा दी जाती है क्या? हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमें पता ही नहीं चला कि कब कब हमारी आंख लग गई और हम सो गए, और तुम रात भर। बुरा मत मानिए मियाँ जी, कल रात हमने बेगम साहिबा के इंतकाल को ठीक उसी तरह महसूस किया जैसे उस दिन किया था जब वो गुजरी थी। कल रात हमने महसूस किया कि विलास खां के सर से मां का साया वाकई उठ चुका है। बस करो सलमा, बस करो। हम तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि विलास को हम मां और बाप दोनों का प्यार दें, मगर क्या करें, हम इसके मां और बाप होने के साथ साथ इसके गुरु भी हैं, और गुरु का तो एक ही ध्येय होता है, अपने शिष्य की शिक्षा। वाह मियाँ जी, तालीम देने का क्या खूब तरीका निकाला है। क्या आपके गुरु भी आपके साथ इसी तरह सख्ती से पेश आते थे? नहीं सलमा, हमारे गुरुजी ने तो कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं। काश आज गुरुजी जिंदा होते तो हम बिलास को उनके चरणों में भेज देते, जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें उन्हें सौंप दिया था। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे अपराध की इतनी कड़ी सजा नहीं सोची थी। अच्छा तो बिलास, एक बात बताओ, कल तुम रियास बीच में छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम जमुना नदी किनारे पर गए थे अब्बू, हमें किनारा बहुत ही पसंद आता है। फिक्र ना करो बेटा, फिक्र ना करो, हम तुम्हें किसी ना किसी के साथ नदी के किनारे भेज दिया करेंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मंगलयति मंगलस्वर तानसेन सा।